लद्दाख सीमा रे भारत चीन मध्ये विवाद जारी रहितबा बेले वेस्टर्न फ्रंट रे युद्ध विमान तेजस को मुतयन करा जायछि। पाकिस्तान सीमा निकटवर्ती पश्चिम भाग रे एई स्वदेशी युद्ध विमान को मुतयन करछि भारतीय वायुसेना। स्वाधीनता दिवस अवसर रे तेजस युद्ध विमान रो भूमिका प्रशंसा करबा सहित प्रधानमंत्री कहितले कि एलसीए मार्क A1 संस्करण क्रय करबा पई खूब शीघ्र चुक्ति पूरा करा जइबो। मध्यप्रदेश सरकार बड़ निष्पत्ति कि राज्यवासी केवल संरक्षित रहा सरकारी चाकरी राज्य समस्त सरकारी चाकरी केवल राज्यवासी को मिल आगक यह निर्दिष्ट आईन अणा सूचना देखते मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को चिट्ठी लिखला कांग्रेस। फेसबुक प्रतिष्ठाता मार्क जुगरबर्ग को कांग्रेस साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल चिट्ठी लिखिंट इमेल जरिया यह चिट्ठी लिखा जाता जमापड़ फेसबुक और बीजेपी को नहीं आसी अभोग निरपेक्ष तदंत करने चिट्ठी लिखि कांग्रेस। कांग्रेस कहि फेसबुक मुख्यालय पक्षर एक उच्चस्तरीय टीम गठन कर मामलार तदंत कर तदंत सर पर्यंत फेसबुक भारत यूनिट दायित्व नुआ टीम को दिया जाओ। दुई मास मधरे तदंत प्रक्रिया पूरा कर यार रिपोर्ट को फेसबुक बोर्ड को दिया जाओ और सार्वजनिक करा जाओ। ट्वीट करी जुगरबर्ग को कांग्रेस पठाई चिट्ठी चिट्ठी संबंध में सूचना देखते राहुल गांधी एथसत राहुल देशवासी को अपील करते कि यह बाबद स्वर उत्तोलन कराओ और बीजेपी और आरएसएस को प्रश्न कराओ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पर चारिज क्रीडाविद ना सिफारिश करती जातीय खेल पुरस्कार समिति चारिजण क्रिकेटर रोहित शर्मा रेसलर दिनेश फोगट टेबल टेनिस खेला मोनिक बत्रा और पारा ओलंपियन मरियम्पम थंगाबेल रही। पीएम केयर अर्थराशि को एनडीआरएफ को स्थानांतर आवेदन को खारज करते सुप्रीमकोर्ट आवेदन पर शुणाणी कर कोर्ट कहते पीएम फंड एक प्रकार चैरिटी फंड तेणु अर्थ स्थानांतर कर आवश्यकता नहीं। कोर्ट एक स्पष्ट करते कि जदि कौ संस्था कि व्यक्ति एनडीआरए पांठि अर्थ देवा चाहते तेज सीधासखे। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक एनजीओ सुप्रीमकोर्ट में आवेदन करते एनजीओ कहला कि डीएम एक्ट को उल्लंघन कर पीएम केयर फंड गठन कर तेणु अनुदान राशि एनडीआरएफ को दिजा उचित। सुप्रीमकोर्ट को शुणाणी पर प्रतिक्रिया रखते केन्द्रमंत्री रविशंकर प्रसाद केन्द्रमंत्री कहते कि कोरोना लड़ाई में पीएम केयर्स फंड 31,000 कोटी टंका सहाय्य राशि भाव में व्यवहार कर 2,000 कोटी टंका 50,000 वेंटिलेटर क्रय कर। रविशंकर प्रसाद कहते पांठि अर्थर 100 कोटी वैक्सीन रिसर्च खर्च करा बेले प्रवासी श्रमिकों पर 1,000 कोटी व्यय कर। पीएम केयर को मिली स्वइच्छा दान गत 6 वर्ष मध्य यह कौन प्रकार दुर्नीति अभियोग आसी। केन्द्रमंत्री कहते एथसत करोना लड़ाई में केन्द्र जीक पारदर्शिता और स्वच्छतार सहित पदक्षेप नहीं तार से निंदा और अपप्रचार करेस देशवासी मनोबल ह्रास करने चेषा करेस। आईपीएल को मिलला नुआ प्रायोजक चाइना कंपनी को बाद दे 2020 आईपीएल टाइटल पर नुआ प्रायोजक भाव सामना को ड्रीम 11 एने सूचना देखते आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल टाइटल प्रायोजक भाव में 222 कोटी टंका बीसीसीआई को देव यह ड्रीम 11 कंपनी। भारतीय कंपनी ड्रीम 11 एक गेमिंग कंपनी 2012 मसीह विभिन्न प्रकार ऑनलाइन गेम को नहीं प्रतिष्ठा होता यह कंपनी चलित वर्ष आईपीएल टाइटल प्रायोजक होती। टाइटल प्रायोजक दौड़ में टाटा आमेजन और पतंजलि थे यह सब कंपनी को पचर पक 2020 आईपीएल टाइटल प्रायोजक होती ड्रीम 11। सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलें भाई नीरज सिंह एवं बड़ आशंका प्रमाण करमलार साक्षी जीवन प्रति विपदपूर्ण थी बीजेपी विधायक तथा सुशांत भाई नीरज सिंह साक्षी को धमक दि जा मुंबई पुलिस इस संबंध में अवगत थी सत्वे चुपचाप थी नीरज अभियोग आनी। एथसत साक्षी सुरक्षा देवाई नीरज दाबी भी करते अनेपटे नीरज कहते कि सुशांत लिखित डायरी को मुंबई पुलिस नहीं सहित किसी हर्द चिराचिरी भी कर। सुशांत मृत्यु मामलों सामना को आसला रिया चक्रवर्ती बड़ बयान तक लगा जा समस्त अभियोग को खंडन करते रिया एथसत शिवसेना युवनेता आदित्य ठाकरे सहित कौन प्रकार संपर्क ना भी रिया कहते। रिया को वकिल सतीश मानसिंधे जरिया बयान
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ରିୟା କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କଠୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ରିୟା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହିବନି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବିହାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଥିବା ରିୟା କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସହରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଗୁଜରାଟ, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା କାଳ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଅମରାବତୀରୁ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ଦେଶରେ ବନ୍ୟା କାଳ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କରୋନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 73% କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଥିସହିତ ମୃତ୍ୟୁହାର କମୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 1.94 ଖସି ଆସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏବେ ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ 55,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହୁଛି। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 9,00,000 କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 55,079 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 27,02,743କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।